तड़ा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। बराकर नदी में नाव पलटने से 16 से ज्यादा लोग डूब गए हैं। अब तक पानी के अंदर से 4 लोगों को जिंदा निकाला गया है। हादसा धनबाद जिले के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के वीरगांव श्यामपुर घाट के बीच हुआ है। आपको बताएं कि नाव पर सवार लोग नरसा से जामताड़ा की ओर जा रहे थे। नाव पर लोग करीब 8 बाइक लेकर सवार थे। पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव अभियान चला रही है। डूबने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बराकर नदी घाट पर लोगों की भीड़ लगी है। हादसा स्थल बराकर नदी में बारबेंदिया पुल के नजदीक बताया जाता है। झारखंड के धनबाद जिले के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के बीच बड़ी संख्या में लोग नाव से आना जाना करते हैं। 4:30 बजे के करीब निरसा के बारबेंदिया घाट से नाव पर सवार होकर लोग जामताड़ा की तरफ जा रहे थे। बीच नदी में नाव पलट गई, इससे नाव पर सवार लोग डूब गए। नाव पलटने के लिए आंधी पानी को कारण बताया जा रहा है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे तेज हवा और गरज के साथ बारिश शुरू हुई। जब तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई तो नाव बीच नदी में थी। तेज हवा की चपेट में नाव आकर पलट गई है, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। कला टावर वहाँ से ससुरा है, फिरिया आया, वहाँ से आ रहा था घर शाम को टाइम में, तो ये अंधड़ आया तो 4 को लापता है। कौन लगता है आपका? मेरा भाई, अपना भाई, मेझला भाई। कौन कौन उसमें था? उसका बीवी है, उसको 2 बच्चे। और इधर जामताड़ा में हुए नाव हादसा में विधायक इरफान अंसारी मरमाहत हैं। इसको लेकर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखेंगे। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग रखेंगे। ना घटी कल, मैं पूरी तरह से मरमाहत हो गया हूँ। कई लोगों की जान चली गई, तेज आंधी में पुल बह गया और उसमें हमें लगता है कि कई बच्चे थे, कई महिलाएं थी और लोग हमारे यहाँ से बंग है निरसा वगैरह से रोजगार करके रात में आते थे और अपना परिवार को पालते थे। उन सारे लोगों की जान चली गई है, तो बहुत बड़ी घटना है। और हम भागे भागे रात में आए हैं और हम रात में ही सीएम साहब से मिलना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, विलम्ब हो गया। तो पुरानी एक पुल है वहाँ पर, बीरबंदिया पुल। आपने देखा हो, कोई ऐसा विधानसभा नहीं जिसमें हमने क्वेश्चन नहीं किया, सरकार को नहीं घेरा, अपनी सरकार को मैंने घेरा। ये पुल लाइफलाइन पुल है, अगर ये पुल बन गया होता तो निश्चित तौर पर जाने नहीं जाती। ये बड़ा पुल है, ये भाजपा के शासनकाल में ये पुल वहाँ पे बना था, तैयार हो गया, 3 या 4 पिलर ढह गया, उसके बाद उसमें जहाँ चला विवाद हुआ उसके बाद पुल बना नहीं। हम लोग कई बार मांग किए तो सरकार के पास शायद न जाने पैसा है कि नहीं है, कहाँ चला गया खजाना। मांग करूँगा कि हर हाल में जितने लोगों की जान गई है वो आदिवासी हैं लगभग, और सबको कम से कम। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जामताड़ा से दीप नारायण जुड़ रहे हैं। दीप नारायण, पूरा ये हादसा कैसे हुआ, हमारे एक बार दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए यह हादसा बेहद ही दर्दनाक है और जिस तरीके से यह हादसा हुआ और अभी तक कितने लोग लापता है इसका एक्यूरेट आंकड़ा नहीं मिल पाया है, लेकिन जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी और यहाँ के जिला प्रशासन का मानना है कि तकरीबन 18 लोग मिसिंग हैं और 4 लोग जो है वो तैरकर बाहर आए थे। हम सबसे पहले न्यूज 11 के दर्शकों को दिखा दें यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर। देखिए ये वो बराकर नदी का ये घाट है और यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो लापता है शव उनको निकाला जा सके, वो किस तरह से है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों की भी काफी भीड़ हो चुकी है और यहाँ के गोड्डा लोकसभा के जो पूर्व सांसद हैं अंसारी कल रात से ही स्थिति की नजर बनाए हुए हैं। हम सबसे पहले इनसे बात कर ले। सर, अभी की यहाँ स्थिति क्या है, देर रात से ही आप यहाँ जमे हुए हैं, कितने लोग आखिर लापता हैं और क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए 13-5 तो रिकवर हो गया जो तैर के बाहर हो गया, और 13 जो है जो हम समझते हैं कि वो मैंने अब निकलेगा नहीं, वो खत्म हो गया वो। और अभी 2 आदमी और लोकेट हुआ है, 13 और 2 15, तो 15 आदमी तो अभी तक हो गया और 4-5 आदमी कहता है मिसिंग है वो, इसका कोई घर से भी लोकेशन कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन लगता है लगभग 20 से ऊपर ही आज कैजुअलिटी हुई है यहाँ पर।
और बहुत दर्दनाक घटना घटी। तो ये कारण क्या मानते हैं सर, क्या ओवरलोडिंग थी या जो रात में मौसम अचानक खराब हुआ था उसके वजह से हुआ, कैसे हुई है हादसा? ये तो निरंतर ये लोग जाने आने का काम जो है चलता ही रहता है, लोग उस पार में कारोबार करता है फिर इस पार चले आते हैं लोग काम करके पैसा कमा करके रोजगार अपना रोजगार उधर करते हैं। लेकिन कल का जो मौसम एक जो खराब हुआ और जो नाव चलाने, दीप नारायण, जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोग जो नाव पलटने से जो लोगों की मौत हुई है, अभी तक इसका आंकड़ा कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन आप इस पर अपनी पूरी नजर रखिए, जैसे ही कोई विशेष इस पर आपकी जानकारी होती है आप हमारे दर्शकों के समक्ष इस खबर को साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीप नारायण तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।